नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। हाल ही में फेसबुक के विवादित पोस्ट को लेकर बवाल देखने को मिला था। ये बवाल अभी थमा भी नहीं था कि कुछ नए आंकड़े फिर सामने आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने फरवरी 2019 के बाद से अब तक फेसबुक ऐड के लिए 4,61,00,000 रुपये खर्च किया है। वहीं कांग्रेस द्वारा 1,84,00,000 रुपये सोशल मीडिया पर खर्च किए गए हैं ताकि विज्ञापन किया जा सके। इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक बीजेपी पिछले 18 महीनों से सामाजिक, राजनीतिक और चुनावी मामले संबंधी फेसबुक की सबसे बड़ी विज्ञापन दाता रही है। भारत में फेसबुक पर सबसे बड़े 10 विज्ञापन दाताओं में 4 अन्य भी बीजेपी से ही जुड़े हुए हैं, जिनमें से 3 का पता बीजेपी का दिल्ली मुख्यालय बताया गया है। इनमें से 2 कम्युनिटी पेज माई फर्स्ट वोट फॉर मोदी, जिसने 1,39,00,000 रुपए विज्ञापन में दिए। भारत के मन की बात ने 2,24,00,000 रुपए दिए। वहीं नेशन विद नमो ने 1,28,00,000 रुपए विज्ञापन को दिए। वहीं बीजेपी नेता आर के सिन्हा से जुड़े पेज ने इसके लिए 65,00,000 रुपए खर्च किए हैं। इन सबको मिला लिया जाए तो बीजेपी की तरफ से फेसबुक पर विज्ञापन चलाने के लिए 10,17,00,000 रुपए खर्च किए गए। ये इस श्रेणी में सिर्फ 10 विज्ञापनदाताओं की तरफ से खर्च किए गए कुल 15,81,00,000 रुपए का 64% है। पिछले 18 महीनों के समय में 2019 के अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव भी हुए थे। इन चुनावों में पहले से जोरदार जीत हासिल करते हुए बीजेपी सत्ता पर काबिज रही थी। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा इस श्रेणी में विज्ञापन देने वाली तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी थी। आपने इस दौरान सामाजिक मुद्दों, चुनाव और राजनीतिक श्रेणी के विज्ञापन पर 59,00,000 रुपए खर्च किए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।